नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, यहां पर आपको देखने को मिलेगी सुबह से लेकर शाम तक की सारी के सारी बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में। तो दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लें। तो दोस्तों, सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। इस महामारी से बढ़ते संक्रमण को देखते हुए पंजाब में रहेगा आज से रात को कर्फ्यू। जी हां दोस्तों, पंजाब में इस महामारी के मरीजों की लगातार बढ़ती संख्या के मद्देनजर मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने गुरुवार को कई आपात कदम उठाने के आदेश दिए हैं, जिसमें सप्ताहांत पर लगाए जाने वाले लॉकडाउन को बढ़ाने के अलावा आज से राज्य के सभी 167 शहरों में रोजाना शाम 7 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लगाना शामिल है। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री ने 31 अगस्त तक विवाह एवं अंत्येष्टि को छोड़कर लोगों के किसी भी जमावड़े पर पूरी तरह से रोक लगाने आदेश दिया है। हालातों की समीक्षा करने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की गई बैठक में मुख्यमंत्री द्वारा जारी निर्देशों के मुताबिक इस महीने के अंत तक सभी सरकारी और निजी बैंक 50% क्षमता के साथ काम करेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, पंजाब में बुधवार तक 36,083 लोगों के इस महामारी से संक्रमित होने की पुष्टि हो चुकी है, जिसमें से 920 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके बाद दोस्तों, जानते हैं अगली बड़ी खबर। असम में फर्स्ट डिवीजन पास छात्राओं को सरकार देगी स्कूटी। जी हां दोस्तों, असम सरकार ने लड़कियों को शिक्षा से जोड़े रखने के लिए नई तरकीब निकाली है। राज्य सरकार ने 12वीं के बोर्ड परीक्षा में फर्स्ट डिवीजन पास छात्राओं को इनाम में स्कूटी देने का फैसला किया है। असम सरकार को उम्मीद है कि इनाम के तौर पर स्कूटी देने से छात्राएं कॉलेज जाने के लिए प्रोत्साहित होंगी। कई बार सार्वजनिक परिवहन के खतरों को आगे की शिक्षा के लिए बाधा के रूप में देखा जाता है। असम के शिक्षा मंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने राइटर्स से कहा, इससे कई छात्राओं को अपने कॉलेज जाने में परेशानी से मुक्ति मिलेगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, उन्हीं छात्राओं को स्कूटी मिलेगी जिन्होंने 12वीं के बोर्ड की परीक्षा में 60% अंक हासिल किए हो। छात्राओं को इनाम के तौर पर स्कूटी अक्टूबर के मध्य तक दी जाएगी। इसके बाद दोस्तों, जानते हैं अगली बड़ी खबर। छत्तीसगढ़ में तिरंगा फहराने वाले 30 ग्रामीणों को नक्सलियों ने पीटा। जी हां दोस्तों, स्वतंत्रता दिवस पर गांव में तिरंगा झंडा फहराए जाने से खिजे नक्सली अब गांव में पहुंचकर दहशत फैला रहे हैं। बुधवार की रात कटे कल्याण थाना क्षेत्र के चिकपाल गांव के करीब 30 ग्रामीणों को नक्सली जंगल ले गए और वहां उनकी लाठी और लात घूसों से जमकर पिटाई की। घायल ग्रामीण जिला अस्पताल और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज करा रहे हैं, लेकिन दहशत के चलते मुंह नहीं खोल रहे हैं। कुछ ग्रामीणों ने बताया है कि नक्सली लीडरों ने उनकी पिटाई की है। स्वतंत्रता दिवस पर चिकपाल मारजूम इलाके में 18 स्थानों पर पुलिस व जिला प्रशासन ने तिरंगा फहराया था। इससे नाराज नक्सली अब ग्रामीणों के साथ मारपीट कर रहे हैं। इसके बाद दोस्तों, जानते हैं अगली बड़ी खबर। बिहार बाढ़ राहत सहायता योजना के तहत हर प्रभावित परिवार को मिलेंगे 6,000 रुपए। जी हां दोस्तों, वैसे तो देश के कई राज्य बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हैं, लेकिन बिहार कुछ ज्यादा ही प्रभावित है। रिपोर्ट के मुताबिक 12 जिलों के 101 ब्लॉक में करीब 50 लाख परिवार बाढ़ से प्रभावित हो गए हैं, और इस प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए बिहार सरकार मुस्तैदी के साथ काम कर रही है। प्रदेश के नीतीश कुमार सरकार ने बाढ़ पीड़ितों के लिए बिहार बाढ़ राहत सहायता योजना के तहत बाढ़ से प्रभावित हर परिवार को बिहार सरकार द्वारा 6,000 रुपए की धनराशि मुआवजे के तौर पर देने का फैसला किया है। साथ ही जिन लोगों के मकान पशु फसलों को नुकसान हुआ है, उनका भी मुआवजा मिलेगा। मुआवजे की राशि सीधी लाभार्थियों के बैंक अकाउंट में DBT के जरिए ट्रांसफर की जाएगी। जिस हिसाब से नुकसान हुआ है, उसी हिसाब से मुआवजा मिलेगा। इसके बाद दोस्तों, जानते हैं अगली बड़ी खबर। नौकरी पाने का है सुनहरा मौका, यह बैंक 1,000 कर्मचारियों की करेगा भर्ती। जी हां दोस्तों, निजी क्षेत्र के एक्सिस बैंक ने अगले एक साल में 1,000 तक लोगों को रोजगार देने के लिए गिग अपॉर्चुनिटी पहल की शुरुआत की है। इस मॉडल के तहत कोई भी प्रतिभावान उम्मीदवार देश के किसी भी हिस्से से बैंक के साथ काम कर सकता है। बैंक के एक अधिकारी ने इसकी जानकारी दी है। यह मॉडल दो तरीकों के साथ काम करेगा, पहला पूर्णकालीन स्थायी नौकरी और दूसरा परियोजना के आधार पर खास अवधि तक सीमित। एक्सिस बैंक के कार्यकारी निदेशक राजेश दाहिया ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा है कि हमारा विचार है कि गिग बड़ी नौकरियां होंगी।
हम इसे एक सामान्य नौकरी की तरह प्रभावी बनाना चाहते हैं। अगले एक साल में हम इस मॉडल के माध्यम से काम करने वाले 800 से 1000 लोगों को जोड़ेंगे। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर, पाकिस्तान के रेल मंत्री की धमकी, भारत पर करेंगे परमाणु हमला लेकिन मुसलमानों को नहीं होगा नुकसान। जी हां दोस्तों, अपने बयानों से अक्सर चर्चा में रहने वाले पाकिस्तान के रेल मंत्री शेख रशीद ने भारत के खिलाफ परमाणु बम का इस्तेमाल करने की धमकी दी है। भारत के साथ तनाव को लेकर रशीद ने सीधे दावा किया है कि पाकिस्तान ने अपना हथियार तैयार कर रखा है और अगर भारत हमला करता है तो पारंपरिक युद्ध नहीं होगा, सीधे परमाणु हमला होगा जिसमें असम तक को निशाना बनाया जा सकता है। इमरान खान के मंत्री ने कहा है कि हमारा हथियार मुसलमानों की जिंदगियों को बचाते हुए असम तक टारगेट कर सकता है। ऐसा पहली बार नहीं है जब रशीद ने ऐसा बयान दिया हो। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर, लेकिन दोस्तों अगली खबर जानने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो में दिखाई गई खबरें अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर, पॉलिसी होल्डर्स को मिली राहत, अब इंस्टॉलमेंट में भी जमा कर सकते हैं हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम। जी हाँ दोस्तों, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के एक आदेश के बाद कई इंश्योरेंस कंपनियों ने अपने ग्राहकों के लिए प्रीमियम पेमेंट की अवधि बढ़ा दी है। इरडा ने सभी जर्नल और स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों को कहा था कि वो पॉलिसी होल्डर्स को हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करने का विकल्प दें। शुरुआत में इन कंपनियों को यह सुविधा अक्टूबर 2020 तक शुरू करनी थी, हालांकि इस महामारी की वजह से अप्रैल में एक नोटिफिकेशन के जरिए इस सुविधा को तत्काल रूप से प्रदान करने को कहा गया था। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, इस सुविधा के तहत पॉलिसी होल्डर्स अपनी सालाना हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम मासिक, त्रैमासिक या छमासिक आधार पर भर सकेंगे। पॉलिसी बाजार के हेल्थ इंश्योरेंस प्रमुख अमित छाबड़ा ने कहा है कि इस सुविधा से पॉलिसी होल्डर्स को अपनी प्रीमियम जमा कराने में सहूलियत मिल सकेगी। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर, पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा बोले ट्रंप ने मिट्टी में मिला दी अमेरिका की साख। जी हाँ दोस्तों, आमतौर पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के तंज का जवाब नहीं देने वाले पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने सारा हिसाब चुकता कर दिया है। उन्होंने कहा है कि ट्रंप ओवल ऑफिस में बैठने के लायक ही नहीं है, उन्होंने अमेरिका की साख मिट्टी में मिला दी है। ओबामा डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रीय सम्मेलन में प्रतिनिधियों को डिजिटल माध्यम से संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा है कि ट्रंप ने राष्ट्रपति पद को तमाशा बना दिया, राष्ट्रपति रहते हुए कुछ कर नहीं पाए क्योंकि वे सक्षम ही नहीं है। ट्रंप ने अपने काम को कभी गंभीरता से नहीं लिया, उन्होंने हमेशा निराश किया। एक राष्ट्रपति से उम्मीद की जाती है कि वह लोकतंत्र का रक्षक होगा, लेकिन लोकतांत्रिक संस्थाओं को आज जितना खतरा है उतना पहले कभी नहीं रहा है। उन्होंने कहा है कि अमेरिकी लोकतंत्र को बचाने के लिए बिडेन को चुनना जरूरी है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर, 1 सितंबर से महंगा हो जाएगा फ्लाइट्स का टिकट, सरकार ने बढ़ाई हवाई सफर से जुड़ी यह फीस। जी हाँ दोस्तों, अगर आप हवाई यात्रा करने वाले थे या करते रहते हैं तो ये खबर आपकी जेब पर वजन बढ़ा देगी, क्योंकि केंद्र सरकार ने एयरपोर्ट पर यात्रियों से ली जाने वाली सिक्योरिटी फीस में बढ़ोतरी कर दी है। इस बार सरकार ने एविएशन सिक्योरिटी फीस में 10 रुपये प्रति यात्री की बढ़ोतरी की है। अब एविएशन सिक्योरिटी फीस बढ़कर 160 रुपये प्रति यात्री हो गई है। यह बढ़ोतरी 1 सितंबर से जारी होने वाले एयर टिकट पर लागू होगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, एयरपोर्ट पर बढ़ते सुरक्षा खर्च की लागत को वहन करने के लिए एविएशन सिक्योरिटी फीस में बढ़ोतरी की गई है, जिससे हवाई यात्रा महंगी होने की संभावना जताई जा रही है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर, चीन में मुसलमानों को निशा दिखाने के लिए मस्जिद तोड़कर बना दिया सार्वजनिक शौचालय। जी हाँ दोस्तों, चीन के सिंजियांग प्रांत में मुस्लिमों का उत्पीड़न जारी है। ताज़ा घटनाक्रम में एक मस्जिद को गिराकर उसकी जगह पर सार्वजनिक शौचालय बनाने का मामला सामने आया है। ऐसे इलाके के उइगर मुस्लिमों को नीचा दिखाने के उद्देश्य से किया गया है। रेडियो फ्री एशिया के अनुसार आतुस जिले के
सुनथांग गांव में बनी तोकुल मस्जिद को सरकारी महकमे ने ध्वस्त कर दिया। इसके बाद वहां पर शौचालय और रेस्ट रूम बनवा दिए गए। बताया गया है कि 2016 से जारी अभियान में इलाके की 3 मस्जिदों को ध्वस्त कराया जा चुका है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं मौसम अपडेट्स। दोस्तों रेड अलर्ट और मूसलाधार बारिश के लिए हो जाए तैयार, यहां मचा सकता है मानसून तबाही। जी हां दोस्तों, 4 दिन तक देश के कई इलाकों में भारी बारिश होने की संभावना है। भारतीय मौसम विभाग विज्ञान ने कुछ इलाकों के लिए रेड अलर्ट भी जारी किया है, तो कुछ को ऑरेंज या येलो अलर्ट जारी किया गया है। मानसून इस साल देश के कई राज्यों में मेहरबान रहा है, हालांकि ज्यादा बारिश से बाढ़ जैसे हालात भी बन रहे हैं। विभाग के मुताबिक पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, गुजरात के पूर्वी क्षेत्रों, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, पूर्वोत्तर भारत, झारखंड और जम्मू कश्मीर में हल्की से मध्यम बारिश हुई है। इसके अलावा दोस्तों अगले 24 घंटों के दौरान कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश, विदर्भ तटीय कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गंगेय पश्चिम बंगाल में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इसी के साथ दोस्तों उड़ीसा, दक्षिणी छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों, उत्तरी तेलंगाना, दिल्ली NCR, उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और गुजरात के कुछ हिस्सों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर, आम आदमी की बड़ी मुश्किलें। पेट्रोल डीजल की कीमतों में फिर हुई बढ़ोतरी। जी हां दोस्तों, सरकारी तेल कंपनियों ने एक बार फिर पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में पिछले कुछ दिनों से लगातार तेजी जारी रही है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 10 पैसे प्रति लीटर बढ़ गई है, वहीं डीजल की कीमत स्थिर है। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल का भाव 81 रुपए हो गया है, जबकि 1 लीटर डीजल का भाव 73 रुपए 56 पैसे पर बना हुआ है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर, सोने के दामों में जबरदस्त गिरावट, चांदी भी टूटी। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सोने की कीमतों में गुरुवार को जबरदस्त गिरावट देखने को मिली है, वहीं चांदी की चमक भी हल्की पड़ती दिखाई दे रही है। HDFC सिक्योरिटीज के मुताबिक दिल्ली में गुरुवार को सोने का भाव 1492 रुपए टूटकर 52,819 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रह गया। इसके अलावा दोस्तों दिल्ली में 1 किलोग्राम चांदी का भाव 1476 रुपए घटकर 67,924 रुपए प्रति किलोग्राम पर रह गया है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर, IRCTC में अपनी कुछ और हिस्सेदारी बेचेगी सरकार, विनिवेश लक्ष्य पूरा करने में मिलेगी मदद। जी हां दोस्तों, सरकार चालू वित्त वर्ष में भारतीय रेलवे के उपक्रम इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन में कुछ और हिस्सेदारी बेचने की तैयारी पर काम कर रही है। इसी कड़ी में सरकार ने बिक्री प्रतिक्रिया के प्रबंध के लिए मर्चेंट बैंकर्स से निवेदिता आमंत्रित की है। डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक असेट मैनेजमेंट ने रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल आमंत्रित करते हुए कहा है कि भारत सरकार ऑफर ऑफ सेल के जरिए IRCTC में अपनी हिस्सेदारी के हिस्से का विनिवेश करना चाहती है। मर्चेंट बैंकर्स को 10 सितंबर तक बोली प्रस्तुत करना है। IRCTC में इस समय सरकार की हिस्सेदारी 87.40% पर है। सेबी के नियमों के अनुसार सरकार को कंपनी में अपनी हिस्सेदारी को घटाकर 75% पर लाना है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर, ल्यूसिड मोटर्स की धांसु इलेक्ट्रॉनिक कार, सिर्फ 20 मिनट चार्ज में चलती है 500 किलोमीटर। जी हां दोस्तों, इलेक्ट्रिक वाहन स्टार्टअप ल्यूसिड मोटर्स जल्द ही अपनी इलेक्ट्रिक सेडान को लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। कंपनी ने दावा किया है कि सेडान केवल 20 मिनट चार्ज करने पर 500 किलोमीटर की ड्राइविंग रेंज प्रदान करने वाली पहली इलेक्ट्रॉनिक सेडान कार होगी। ल्यूसिड मोटर्स ने एक स्वतंत्र परीक्षण में दावा किया है कि यह कार एक बार चार्ज करने पर 517 मील यानी कि 832 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। यह सबसे तेज चार्ज होने वाली कार भी है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर, लैपटॉप स्मार्टफोन खरीदने का शानदार मौका, इन प्रोडक्ट्स पर मिल रहा है भारी डिस्काउंट। जी हां दोस्तों, ई कॉमर्स वेबसाइट अमेजोन पर एक बार फिर सस्ते में इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट खरीदने का मौका मिल रहा है। अमेजन की लेटेस्ट बेस्ट ऑफ टेक सेल 2020 20 अगस्त से लाइव हो गई है। इस सेल के दौरान लैपटॉप, कैमरा, ईयरफोन, वायरलेस ईयरबड्स जैसे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट पर डिस्काउंट ऑफर दिया जा रहा है। साथ इन प्रोडक्ट्स की खरीद पर नो कॉस्ट EMI और एक्सचेंज ऑफर भी दिया जा रहा है।
रहा है। इसके अलावा स्मार्टफोन और अन्य प्रोडक्ट पर भी डिस्काउंट ऑफर मिल रहा है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। एयरटेल ने लॉन्च किए दो शानदार प्लान। इसमें रोजाना 3 GB तक डाटा और फ्री कॉलिंग के साथ मिलेगा हॉटस्टार VIP का सब्सक्रिप्शन। जी हाँ दोस्तों, एयरटेल ने अपनी प्रीपेड यूजर्स के लिए दो नए प्लान लॉन्च किए हैं। इन प्लान की कीमत 448 और 599 रुपए रखी गई है। इसमें रोजाना 3 GB तक डाटा और फ्री कॉलिंग के साथ डिज्नी प्लस हॉटस्टार VIP का सब्सक्रिप्शन भी मिलेगा। अगर आप OTT प्लेटफॉर्म पर शो या मूवी देखने के शौकीन हैं तो ये प्लान आपके लिए सही रहेगा। इस तरह के प्लान की वैलिडिटी 28 दिन की होती है। इससे रिचार्ज करने पर रोज 3 GB डाटा, सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉलिंग और डेली 100 SMS जैसे फायदे मिलेंगे। इस मौके के साथ एक साल के लिए डिज्नी प्लस हॉटस्टार VIP का सब्सक्रिप्शन भी मिलेगा। तो यह थी दोस्तों आज की सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। तो दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।